हजूर मोहतरमा फरीना कुरैशी साहबा की तरफ से अभी एक और सवाल आया है। एक और क्या, पहला भी उनकी तरफ से था? नहीं, पहला अब फरीना कुरैशी साहबा की तरफ से है कि हज्जे बदल का आगाज किस तरह हुआ था। किसका? हज्जे बदल का आगाज किस तरह हुआ था? हज्जे बदल का आगाज कैसे हुआ? हज्जे बदल का आगाज मेरे ख्याल में तो रसूल के जमाने में तो नहीं सुना मैंने कोई हज्जे बदल का जिक्र। क्यों भाई, किसी को मालूम है? जो शख्स हज पे ना जा सकते हों मजबूरन, बाद लोग उनकी ख्वाहिश के पेश नज़र उनकी तरफ से हज्जे बदल कर लेते हैं और अगर अल्लाह ताला कबूल फरमा ले तो बहुत उसकी खुशकिस्मती होगी जिसकी खातर हज किसी और ने किया और उसको कबूल कर लिया। तो ये रवायत जो है ये बाद के ज़माने की है, यानी ये सुन्नत जो है ये रसूल सल्लम की नहीं बल्कि बास के बाद बुज़ुर्गों ने इस सुन्नत को जारी किया था। लेकिन एक अच्छी सुन्नत है जिसके खिलाफ कोई फतवा मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का मौजूद नहीं है। जज़ाकुमुल्लाह हुज़ूर, सवालात ख़त्म हो गए हैं। जज़ाकुमुल्लाह मैं कहा जहांगीर साहब आज आपके तरफ से सवाल नहीं आए क्या? पहले दूसरों को मौका मिल जाए तो आपके ख्याल में भी मौका नहीं मिला पूरा, सुबह की नमाज तक मौका इंतजार करेंगे आप? आज ये क्यों नहीं कहा सीधा साधा कौले सदीर कि आज मैंने किसी सवाल की तैयारी नहीं की हुई हैं? फिर क्यों चुप करके बैठे हुए? अब मगर अब वक्त भी नहीं रहा, अब तो सफ़े बांधें और तकबीर कहें और नमाज पढ़ाएं। अजान आपने दी थी? देनी है। अच्छा जी, अब ईशा की अजान दे दें, इतने अरसे में वक्त हो जाएगा 8 बजे पूरे।